हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं आपकी अध्यापिका और आपकी दोस्त हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम आज नया पाठ शुरू कर रहे हैं। कौन सी? आपकी प्रिय पुस्तक तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 13, जिसका नाम है, पाठ का शीर्षक है चांद का पत्र। ये तो बहुत अजीब सा है, चांद का पत्र। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, क्या आपको चांद के घटने और बढ़ने का कारण मालूम है? आपको चांद की चांदनी कैसी लगती है? यदि आप चांद को पत्र लिखेंगे तो क्या पूछना चाहेंगे? आप क्या पूछना चाहेंगे? ये देखो चंदा मामा बना हुआ है, आप क्या पूछेंगे बताइए? अगर मैं होती मैं तो पूछूंगी, चंदा मामा आप बच्चों को इतना प्यार करते हैं, आप हमारे पास कब आएंगे? हम तो ये भी पूछ सकते हैं। तो आप सोचिएगा और बताइएगा कि आप चंदा मामा से क्या पूछेंगे। चलिए पाठ प्रवेश। चांद और इसकी रोशनी धरती के लोगों के लिए सुंदर भेंट से कम नहीं है। धरती के लोग चांद की सैर कर आए हैं, वहाँ पर जीवन नहीं है, फिर भी वह सबसे प्यारा है। आइए शुरू करते हैं। ये देखो एक बच्चा है, इसके हाथ में एक पत्र है और ये किसको दे रहा है? चंदा मामा को। आसमान में कितने सारे तारे भी खिले हुए हैं, है ना। चलिए, प्यारे मयंक, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी ने जो बताया वह सही है, मैं ऐसा ही हूँ। मेरा रूप आकार बदलता रहता है, मैं कभी कटे नाखून जैसा दिखाई देता हूँ तो कभी थाली जैसा गोल दिखाई देता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने विषय में बताता हूँ। कौन बता रहा है? ये चंद्रमा, चंदा मामा। और किसको बता रहा है? मयंक को। मैं धरती से 300,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर हूँ, मतलब मैं इतना दूर हूँ कि मैं 300,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हूँ। अगर तुम कार से मेरे पास आते तो जाने कितने महीने लग जाते। मैं तुम्हारी धरती से बहुत छोटा हूँ, लगभग अफ्रीका के महाद्वीप जितना। क्या तुम्हें पता है मेरे पास अपनी रोशनी नहीं है, मैं अपने मित्र सूर्य से रोशनी लेता हूँ। पता चला आपको, सूर्य से रोशनी लेते हैं। जिस रात में तुम्हें दिखाई नहीं देता तब अमावस्या होती है, मतलब बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है। और जिस रात में संपूर्ण गोल दिखाई देता हूँ तब क्या होती है? तब पूर्णिमा होती है। मेरी सतह यानी कि मेरा जो ये है वो ऊंची नीची और गड्ढों वाली है। ऑक्सीजन ना होने से पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी नहीं है। जब मेरे पास आओ तो अपने लिए ऑक्सीजन जरूर ले आना। बच्चों, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो चंदा मामा कह रहे हैं जब मेरे पास आओ तो ऑक्सीजन जरूर ले आना, तब तुम्हें और बातें बताऊंगा। तुम्हारा तथा सब बच्चों का चंदा मामा। और अब करते हैं हम कठिन शब्द। रूप, रोशनी, आकार, अमावस्या, विषय, संपूर्ण, अफ्रीका, पूर्णिमा, महाद्वीप और ऑक्सीजन। और अब हम चल रहे हैं शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ अपने विषय में यानी कि अपने बारे में। महाद्वीप, महाद्वीप एक बहुत बड़ा द्वीप। मित्र का अर्थ है दोस्त, धरती यानी पृथ्वी या जमीन, रोशनी का अर्थ है प्रकाश और संपूर्ण मतलब पूरा। और अब हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें सबसे पहले पत्र किसने और किसको लिखा। पत्र चंद्रमा ने, चंदा मामा ने लिखा। किसको लिखा? मयंक को। चांद ने मयंक को क्या बताया? चांद ने मयंक को बताया कि मैं जैसा दिखता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ, मैं कभी छोटा हो जाता हूँ कभी बड़ा हो जाता हूँ, कभी मैं नाखून जितना दिखता हूँ तो कभी मैं थाली जैसा गोल दिखता हूँ, और मैं, मेरी सतह भी ऊपर उबड़ खाबड़ है और कुछ कुछ गड्ढों वाली भी है। क्या तुम्हारे पास कभी किसी मित्र का क्या तुम्हारे पास कभी किसी का पत्र आया है? बच्चों बताइएगा जरूर कि आपके पास भी क्या किसी का पत्र आया है, आपको भी क्या किसी ने पत्र लिखा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं, यानी कि जो सही है हम उसको सही का चिन्ह लगाएंगे। चांद धरती से दूरी पर है 300,000 किलोमीटर, 400,000 किलोमीटर, 600,000 किलोमीटर या 1,000,000 किलोमीटर। चांद धरती से दूरी पर है 300,000 किलोमीटर।
मयंक को पत्र किसने लिखा? चांद ने, सूरज ने, तारों ने या आसमान ने? मयंक को पत्र चांद ने लिखा, तो मैंने चांद के आगे सही का निशान लगा दिया। चांद ने पत्र में किसके बारे में बताया? सूरज के बारे में, अपने बारे में, मयंक के बारे में या धरती के बारे में? चांद ने पत्र में अपने बारे में बताया। अब हम क्या करेंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति। मेरा क्या बदलता रहता है? मेरा आकार। हम यहाँ पे क्या देख लिख देंगे? मेरा आकार बदलता रहता है। चांद के पास अपनी क्या नहीं है? चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है। वो किससे रोशनी लेता है चांद? सूरज मामा से। सूरज से रोशनी आती है। पूरे चांद वाली रात, जब पूरा चांद निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूरे चांद वाली रात पूर्णिमा। जब संपूर्ण चांद, पूरा चांद होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा की रात। जिस रात चांद नहीं दिखाई देता, उस वो वाली कौन सी रात होती है? उस रात अमावस्या। उस रात को बोलते हैं जब बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता, एकदम अंधेरा होता है, तो वो रात होती है अमावस्या की रात। और जब पूरा चांद होता है तो वो कौन सी चांद होती है, रात होती है? वो होती है पूर्णिमा की रात। और अब क्या होता है यदि चांद को सूरज से रोशनी नहीं मिलती? अगर चांद को सूरज से रोशनी नहीं मिलती तो क्या होता? हमें चांद नहीं दिखाई देता, हमें चांदनी नहीं मिल पाती। दोनों बातें होती हैं, कुछ भी नहीं होता। दोनों बातें होती, हमें चांद नहीं दिखाई देता और हमें चांदनी भी नहीं मिलती, तो हमने दोनों बातों पे निशान लगा दिया। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, यानी कि चांद का रूप कैसा है? चांद का रूप जो है वह उबड़ खाबड़ है, उसकी सतह बिल्कुल समतल नहीं है, उसमें कहीं कहीं गड्ढे हैं और उसका आकार भी अलग अलग तरह का है, कभी छोटा हो जाता है, कभी गोल हो जाता है। तो ऐसा है चांद का रूप। चांद धरती से कितनी दूरी पर है? चांद धरती से कम 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। चांद पृथ्वी से कितना छोटा है? चांद पृथ्वी से बहुत छोटा है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? मैं आशा करती हूँ आपको भी इस बारे में, इस पाठ के माध्यम से चांद के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। चलते हैं, अब जल्दी से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आभार।